हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे मार्बल केक। यह बहुत ही टेस्टी केक बन के तैयार होगा, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम घर में यूज होने वाला कोई भी एक नॉर्मली कप ले लेंगे और उसी से एक कप शुगर पाउडर, आधा कप दही और कप का चौथाई भाग बटर या रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। एक टेबल स्पून वनीला एसेंस लिया है और उसी कप का एक कप हमने दूध और दो टेबल स्पून कोको पाउडर और उसी कप से हमने डेढ़ कप मैदा ले लिया है। आधा चम्मच मीठा सोडा लेना है और एक चम्मच बेकिंग पाउडर। और हमें एक नुकीली चीज़ चाहिए जिससे हम केक के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। जिस बर्तन में हमें केक बनाना है, सबसे पहले हम उसमें रिफाइंड ऑयल या फिर बटर अच्छे से लगा लेंगे चारों तरफ। फिर उसके बाद उसमें हम मैदे की एक लेयर बना देंगे। मैंने बटर लगा लिया है, अभी मैं इस पे मैदे की एक लेयर बनाऊंगी। मैदे को चारों तरफ अच्छे से फैला के उसकी एक अच्छी सी लेयर तैयार करनी है। और इसमें जो एक्स्ट्रा मैदा निकलेगा उसे हमें बाहर निकाल देना है। इससे हमारा केक जलेगा भी नहीं और अच्छे से बाहर निकल आएगा। देखिए, हमारा केक का बर्तन तैयार हो गया है। अभी हम बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बटर, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे शुगर पाउडर। इसके बाद हमें ऐड करना है दही। तीनों मिक्सचर को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। इसे मिक्स करने में हमें 2 से 3 मिनट तक का समय लग जाएगा। जब तक हमारे ये बैटर अच्छा नहीं होगा, हमारा केक भी अच्छा नहीं फूलेगा। तो इसीलिए इसे 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू आप ऐसे ही चलाते रहिए। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तभी हमारा केक अच्छे से बनके तैयार होगा। अभी हम एक छन्नी ले लेंगे जिसमें हम मैदे को छान लेंगे। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि मैदे के अंदर जो गांठें होती हैं या मैदे जो चिपके होते हैं दूसरे में, वो अलग अलग हो जाते हैं और इससे हमारा बैटर बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, बिल्कुल स्मूथ एकदम, और जो हमारे केक को फुलाने में बहुत हेल्प करता है। अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे आधा चम्मच मीठा सोडा और एक चम्मच बेकिंग पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स करके छान लेंगे। इससे हमारा बेकिंग सोडा और मीठा सोडा दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें पूरा दूध एक बार में नहीं डालना है, इससे हमारा पेस्ट गीला भी हो सकता है। अभी हम डाल रहे हैं वेनिला सेंस, इसे भी हम डाल के मिक्स करेंगे। अभी हमारा पेस्ट बहुत गाढ़ा है, हम थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक
अच्छे से फेंटना है। इसका हमें स्मूथ बैटर तैयार करना है बिल्कुल। अभी हमारा बैटर गाढ़ा है, हमें थोड़ा दूध और ऐड करना है। ये देखिए, हमारा बैटर अभी गाढ़ा है, हम थोड़ा सा दूध इसमें भी और ऐड कर लेंगे। जब तक हम बैटर को अच्छे से फेंटेंगे नहीं, तब तक हमारा केक अच्छे से नहीं फूलेगा। ये देखिए, हमारी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ी ही है और ना ही ज़्यादा पतली है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब हम अपने बैटर को टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, हमने आधा बैटर कटोरे में निकाल लिया है और आधा हमारा भगोने में है। अब हम भगोने में डालेंगे कोको पाउडर। और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क। और इसे भी हम अच्छे से 1 मिनट तक मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करके हमें एक बाउल में निकाल लेना है। देखिए, हमारा दोनों बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम मार्बल केक बनाना स्टार्ट करेंगे। हमें एक एक करके दोनों बैटर डालने हैं, कोई सा भी एक ले सकते हैं आप। इसे डाल के हमें चारों तरफ हिला देना है अच्छे से, ताकि ये फैल जाए। अभी हम इसमें डालेंगे दूसरा बैटर। इसे भी हम अच्छे से फैला देंगे हिलाते हुए। अभी हम फिर से डालेंगे ऐसे, हमें बारी बारी दोनों बैटर को डालते जाना है, फैलाते जाना है। इसमें वेनिला सेंस और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है। इस कोरोना के डर से लोग बाहर से केक नहीं मंगा रहे हैं, तो आपके घर पे जब भी किसी का बर्थडे हो या कुछ भी हो, या आपका खाने का मन हो, तो आप ये केक घर पे ज़रूर बनाइए। या बिल्कुल मार्केट के जैसा ही बन के तैयार होगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सारे बैटर को हमें ऐसे ही डालने के बाद अब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम इसे 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। ये रहा हमारा पहला, ये दूसरा, ये रहा हमारा तीसरा भाग, और ये हमने 4 भाग कर लिए। अब हम बीच से अंदर की ओर लेकर जाएंगे एक। बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन बनाना। बच्चे तो इसके फूल के डिज़ाइन ही देखकर खुश हो जाते हैं, और केक तो स्वादिष्ट बनता ही है। ये देखिए, हमारा केक बनके रेडी हो गया है। अभी हम इसे बेक करेंगे। मैंने ओवन को 5 मिनट पहले 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लिया था। अभी हम केक को बेक करने के लिए रख देंगे। आप या केक कढ़ाई या कुकर में भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। केक को हमें 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए बेक करना है। कुकर या कढ़ाई में बनाएंगे तो कुकर में भी 35 मिनट लग जाएगा।
20 मिनट बेक करेंगे। 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे केक हमारा कितना पका है कितना नहीं पका है, उसी हिसाब से हम 10 या 5 मिनट फिर से बेक कर लेंगे। हमें टेम्परेचर भी सेट कर लेना है 180 डिग्री। बीस मिनट हो गया है, हमारा केक इतना बेक हो गया है। 20 मिनट के बाद हम केक एक बार चेक कर लेंगे। अगर केक हमारा अंदर से ज़्यादा गीला है तो हम उसे 10 मिनट बेक कर लेंगे, कम गीला है तो 5 मिनट बेक कर लेंगे। इससे हमारा केक जलने से बच जाएगा। हम केक के अंदर चाकू से या फिर एक टूथपिक से डाल के चेक करेंगे। देखिए अभी हमारा केक अंदर से गीला है। अभी हमें इसको 10 मिनट और बेक करना है। 10 मिनट और बेक करने के बाद देखिए हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम केक को 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा करके उसके बाद इसे निकाल लेंगे। गर्म केक निकालने पर टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप यह केक कढ़ाही या कुकर में बना रहे हैं तो आप सबसे पहले कुकर लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए नीचे लगभग आधी कटोरी, उसके ऊपर कोई स्टैंड कटोरी या फिर कोई प्लेट रख दीजिए और उसे पहले 15 मिनट के लिए गर्म कर लीजिए। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके स्टैंड के ऊपर आप अपना केक बेक होने के लिए रख दीजिए। कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए, सीटी उसकी निकाल दीजिए और 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक होने दीजिए। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है वरना केक हमारे जल जाएंगे। और आप कढ़ाई में भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं। ये देखिए हमारा केक अच्छे से बाहर निकल आया है। हमारा केक बहुत ही नरम मुलायम व स्पॉन्जी बनके तैयार हुआ है। आप अपने घर पे ये केक जरूर ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को बना के ज़रूर खिलाइए। अभी हम आपको केक कट करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि केक अंदर से कितना फूला हुआ है, नरम भी है फूला भी है और खाने में टेस्टी भी है। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप जल्द से देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल। बाय बाय, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।